नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस पे। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवाले। जीएसटी को लेकर केंद्र और राज्य राज्यों के बीच घमासान लगातार मचा हुआ है। केंद्र सरकार ने जीएसटी को लेकर राज्यों से बैठक की है। बैठक में इस बात पर सभी राज्य राजी नहीं है कि वे क्षतिपूर्ति के बदले कर्ज लें। छत्तीसगढ़ सरकार ने मांग की है कि केंद्र कर्ज लेकर राज्यों को मुहैया कराए। जीएसटी मामले में मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि जब 10वीं बैठक में जो फैसला हो गया था उसे पलटने का क्या मतलब है। टीएस सिंहदेव ने बात की हमारे राजनीतिक संपादक रुपेश गुप्ता ने। जीएसटी को लेकर के केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में विवाद सुलझता नहीं दिख रहा है। कल लंबी बैठक हुई लेकिन क्षतिपूर्ति को लेकर के कोई फैसला नहीं हो पाया, क्योंकि किस राज्य केंद्र के फॉर्मूले से सहमत है लेकिन कुछ राज्य सहमत नहीं है, जिसमें से छत्तीसगढ़ है। हमारे साथ मंत्री टीएस सिंहदेव साहब हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आखिर जो केंद्र का फॉर्मूला है उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे। जीएसटी की बैठकों में इसके पहले ये निर्णय लिया गया था और ये चर्चा ने निर्णय था, जिसको दुर्भाग्य से कुछ लोग चर्चा हुई ऐसा करके टाल दे रहे हैं। ये निर्णय हुआ था और तत्कालीन अध्यक्ष जी जो थे जीएसटी काउंसिल के, उनकी अध्यक्षता में, कि जीएसटी की भरपाई की जिम्मेदारी पूरी केंद्र सरकार की है। ये मिनट्स में अंकित है। अगर आप 10वीं बैठक का 17 फरवरी 2017 की बैठक के मिनट्स देखेंगे तो उसमें अंकित है। फिर अभी हवाला दिया जा रहा है संविधान की धारा 293 का, कि संविधान की धारा 293 कहती है कि राज्य सरकार लोन लेगी और अनुमति लेगी ऐसा ऐसा, फिर देश को ये भ्रमित करते हैं। और ये सबसे आपत्तिजनक चीज़ होती है कि आप भ्रमित मत करिए। आपको जो निर्णय आपके कार्यक्षेत्र में है, केंद्र सरकार के कार्यक्षेत्र में, आप लीजिए, लेकिन गुमराह मत करिए। क्योंकि बोरोइंग्स की जो चैप्टर है संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत और उसकी धारा 292 ये कहती है कि केंद्र सरकार अगर लोन लेगी तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के सिक्योरिटी के विरुद्ध में लोन लेगी। राज्य सरकार ने फिर 293 आता है जिसको ये कोट कर रहे हैं कि 293 की कंडिका एक ये कहती है कि राज्य सरकारें अगर लोन लेंगी केंद्र सरकार से अनुमति लेके, तो जो राज्य का कंसोलिडेटेड फंड है उसको सिक्योरिटी रख के लोन लेंगे। उसी के कंडिका दो में 293(2) में ये लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार भी लोन लेके राज्य सरकार को दे सकती है। कंडिका तीन में ये लिखा हुआ है कि अगर राज्यों का, केंद्र सरकार तब अनुमति देगी अगर राज्यों के कोई दूसरी लेनदारी बकाया नहीं है। कौन राज्य होंगे जिसकी लेनदारी बकाया नहीं है? तो प्रश्न ये है कि केंद्र सरकार अगर लोन ले सकता है, राज्य सरकार अगर लोन ले सकती है, तो राज्य सरकार को केंद्र सरकार लोन लेके भी दे सकती है, ये भी उन प्रावधानों में है। तो इस आर्थिक संकट की स्थितियों में केंद्र सरकार अपने दायित्व से क्यों पीछे हट रही है, क्यों राज्य सरकारों के कंसोलिडेटेड फंड के ऊपर बोझा डाल रही है, ये प्रश्न। ये मतलब माना यह जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से जो लॉस हुआ अब उसकी जिम्मेदारी और उसका ठीकरा जो है राज्यों पर फोड़ने की कोशिश की जा रही है। वो भी नहीं, देखिए जो कॉम्पनसेशन सेस प्रोटेक्टेड इनकम 14% हर साल की बढ़ोतरी का मिलना है, इसमें कोई विवाद नहीं, ये तय हो गया। ये जरूर प्रश्न बीच में उठा था कि अरे मिलेगा कि नहीं, लेकिन हम लोगों ने भी बोला और अंततः ये सर्वसम्मत से ये पास भी हो गया, इसको चर्चा का जरूरत ही नहीं था, कि 14% 5 साल के लिए प्रोटेक्टेड इनकम आपको पूर्ति करनी है। अगर केंद्र सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है जो हम मान सकते हैं, तो हम आपसे पैसा थोड़ा ना मांग रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि लोन की व्यवस्था करके आपको दे देना था। और वो जीएसटी सेस जो 2022 जून के खात्मे के बाद जुलाई 2022 से जो क्रम चालू होगा उसमें जो पैसे आएंगे वो आप लोन से वापस उसको पटा दीजिए, वो और कम होते होते कोविड के समय में और नीचे गिरी है। तो जो अर्थव्यवस्था अपने आप कम हो रही थी, गिर रही थी, उसकी स्थिति बिगड़ रही थी, आज उसमें कोविड का आड़ लिया जा रहा है। फिर जीएसटी के माध्यम से जो प्रावधान है और जो निर्णय है जीएसटी काउंसिल के, उसके विपरीत आप एक थोप रहे हैं एक तरह से कि नहीं हम तो नहीं लेंगे आप ही लीजिए, ये क्यों? और इसमें जब निर्णय नहीं हो रहा है तो निर्णय के रूप में उसको प्रस्तुत क्यों कर रहे हैं, ये बातें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे टीएस सिंहदेव साहब जो कि जीएसटी मिनिस्टर हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो उन्होंने कही कि जब ये फैसला हो चुका था तो उस फैसले का
विचार कह करके उसको खारिज करने की कोशिश क्यों की जा रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और जो जीएसटी का लॉस हुआ है उस लॉस की भरपाई होगी, जब पैसे आएंगे तो वो लोन चुकाया जाएगा, लेकिन वो लोन लेगा कौन और उसकी भरपाई कौन करेगा, बड़ा सवाल है। कैमरामैन रेख राम के साथ रायपुर से रुपेश गुप्ता। स्वास्थ्य मंत्री